तो देव आदि देव महादेव की पूजन के लिए हमारा बेल का शरबत बिल्कुल रेडी है। इसे आप बनाइए और आपके उपवास के टाइम में इसको पीजिए। ऐसे भी समर्स आ रहे हैं तो इतना रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो बेल का शरबत है वो आपको बहुत ही रिफ्रेशमेंट देता है। तो लीजिए, चलिए हम एंजॉय करते हैं। हेलो एवरीवन, महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि बेल की शरबत को दो तरीके से हम कैसे बनाते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की सेम रिक्वेस्ट। एकदम सिंपल सी है। सामने शिवरात्रि है, 8 तारीख 9 तारीख को शिवरात्रि इस बार 2 दिन को है। मैंने सोचा कि आपको बेल या जो आप वुड एप्पल जो भी बोले, तो चलिए इसको पहले तोड़ लिया जाए। देखिए ये बेल एकदम पका हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको पहले बेलन से तोड़ लिया जाए। बेल की शरबत आप सभी बनाते होंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए ये बेल टूट चुका है, बट ये जो आप देख रहे हैं ये जो जेली टाइप का है और ये जो बीज है ये कड़वा होते हैं, तो ये हमें निकालना होगा, नहीं तो शरबत जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो चम्मच से स्कूप करके इस तरीके से देखिए हम इसके पल्प को और जो भी सीड्स हैं सभी को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के हम एक बोल में अलग कर लेते हैं। सीड्स निकालने के बाद ये जो साइड्स में आप देख रहे हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो ये भी हम ऐसे खरोच खरोच कर निकाल लेते हैं। आप सभी को पता है, मैं बस बता रही हूँ अगर कोई बिगनर है तो। देखिए इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए बेल का जो पल्प वो निकल चुका है। अब हम इससे जो ये सीड्स है ना इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं, या इसमें पानी डालकर छानेंगे भी ना तो भी ये निकल जाएगा, ये जो सीड्स हैं। तो इसे निकालना इम्पोर्टेंट है, ये जो सीड्स हैं। तो चलिए इसे हम अब पानी डालकर उसके बाद इसे छान लेते हैं, तो एक बार में ही सारे सीड्स जो है वो निकल जाएंगे। तो इस स्टेज में हम इसमें ठंडा पानी डालकर इसे अच्छे से मैश करके इसके जो पल्प है वो हम इसमें निकाल लेंगे, उसके बाद इसको हम स्ट्रेनर में डालकर तब छानेंगे। किस किस ने शिवरात्रि की है, आपने किस दिन किया, फ्राइडे या सैटरडे, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भी मेरे रेसिपीज जो है चैनल में है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आप चाहे तो उससे चेक कर सकते हैं। जैसे मखाने की खीर, उसके बाद साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के खीर, सभी व्रत रेसिपीज जो है मेरे चैनल पर है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बेल की शरबत मैं 2 तरीके से बनाऊंगी, तो चलिए अब इसे हम स्ट्रेनर से इसे छान लेते हैं। तो देखिए इस टाइप का मैं स्ट्रेनर ले ली हूँ और वो जो पल्प है वो इस पर डाल दूंगी। तो देखिए स्ट्रेनर पे पल्प डालकर मैं इसे अच्छे से मैश करके इसे इसके पल्प को निकाल। हमने अच्छे से इसको ऐसे स्मैश कर करके इसके जो पल्प है वो निकाल लिए हैं, तो इस तरह का कुछ जो है आपको लेफ्ट ओवर में मिलेगा, तो इसे हम फेंक देते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको कैसा इसका पल्प आया है। ये देखिए इसका जो पल्प है, ये देखिए इसका पल्प इस तरीके से आया है। अब इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए पल्प कुछ इस कंसिस्टेंसी का है, तो इसमें अब चलिए इसको 2 भागों में बांट लूंगी, तो 2 तरीके से आपको दिखा सकूंगी। तो चलिए इसको अब इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ। तो इस पल्प को मैं 2 भाग में बांट ली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा कम ही रखी हूँ क्योंकि मैं पानी से ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, मैं दूध से पसंद करती हूँ। देखिए तो इसमें डालती हूँ चीनी। चीनी तो आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, बेल अगर मीठा हो तो चीनी न भी डाले तो भी चलेगा। और देखिए इसमें मैं डालूंगी पानी, जितना आपको कंसिस्टेंसी में पतला चाहिए आप उतना ही पानी डालिए। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक,
अभी गर्मियां आ रही हैं तो बेल के हेल्थ बेनिफिट्स तो आप सभी को पता है, और जो पुदीना के पत्ते हैं वो भी गर्मियों में बहुत ही रिफ्रेशिंग होते हैं। तो थोड़ा सा पुदीना के पत्ते को क्रश करके मैं इसमें डालूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कीजिएगा। तो लीजिए, थोड़े से पुदीना के पत्ते को क्रश करके मैं इसमें डाल दूंगी। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा एक फीलिंग्स देता है। और डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक देता है। आप गर्मियों में बाहर से आइए और एक ग्लास आपको अगर बना हुआ मिले तो क्या कहना। तो इसे अच्छे से एक मिक्स करूंगी, उसके बाद सर्व करूंगी। मुझे दूध से ज्यादा पसंद है बेल का शरबत, लेकिन बहुत लोग इस तरीके से भी पसंद करते हैं। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। गर्मियों का अगर दिन है तो किसी भी ड्रिंक में हम ज्यादातर आइस तो जरूर यूज करते हैं। तो ये गए कुछ आइस के टुकड़े। एक आप पुदीना के पत्ते को भी इसमें डाल दीजिए। और ये गया बेल का इसमें शरबत। इसे आप एक बार एंजॉय करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये इतना रिफ्रेशिंग सा फीलिंग्स देता है ना। तो ये गया नंबर 1 बेल का शरबत। और इसे आप गार्निश कीजिए पुदीना के पत्ते से। पुदीना के पत्ते को आप स्किप कीजिएगा अगर आपको पुदीना के पत्ते पसंद नहीं है। तो चलिए अब बना लेती हूँ नेक्स्ट वाला। जितना पल्प निकाली थी ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा यूज कर रही हूँ, मेरे घर में लोग कम है। तो देखिए मैं फिर से थोड़ा सा पल्प लेके आ गई हूँ। इसमें मैं ऐड करूंगी फिर से चीनी। चीनी तो आप हेल्थ के लिए स्किप करें तो ही सही है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। चीनी ऐड करूंगी और इसमें अब ऐड करूंगी ये जो है मिल्क। तो मिल्क को ऐड करूंगी। ये जो पल्प है ये आप निकाल कर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये गया इसमें मिल्क। तो गिव इट अ गुड मिक्स। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। और थोड़ा सा नमक डालूंगी। तो बाकी जो पल्प है ना, ये थोड़ा सा एकदम चुटकी भर नमक, किसी भी मीठे चीज में मैं बिलीव करती हूँ अगर थोड़ा सा नमक जाता है ना तो वो उसके टेस्ट को एनहांस करता है। बस ये जो मिल्क वाला है तो ये भी रेडी है। इसको अच्छा सा मिक्स कर देती हूँ और बाकी जो पल्प है ना मैं स्टोर करके रखूंगी। जब जो जिसको भी पीना हो, मैं उस हिसाब से दूध का पीना हो या पानी वाला पीना हो, मैं उस हिसाब से बनाकर दूंगी। इस पल्प को आप 2 दिन तक इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए ये मिल्क वाला रेडी है। तो चलिए इसको भी सर्व करते हैं। तो देव आदि देव महादेव की पूजन के लिए हमारा बेल का शरबत बिल्कुल रेडी है। इसे आप बनाइए और आपके उपवास के टाइम में इसको पीजिए। शिव जी और पार्वती जी की तरह आपकी भी जोड़ी बनी रहे, जो ही जोड़ी सलामत रहे। लेकिन जाते जाते बिल्कुल भी मत भूलिए कि मेरा बेल का शरबत का रेसिपी आपको कैसा लगा। और मेरे कंटेंट अगर अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और ढेर सारी खुशियाँ बांटें।